फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं जरमैट और वहां से जाएंगे मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न भी एक पर्वत है जहां पर आपको बहुत सारा बर्फ़ देखने मिलेगा, लेकिन उसके पहले हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जरमैट को। जरमैट एक छोटा सा ब्यूटीफुल टाउन है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वहां की है कि वहां पे किसी भी तरह के व्हीकल्स अलाउड नहीं है, मेनली कार बाइक्स ये अलाउड नहीं है वहां पे। सिर्फ जो कुछ टैक्सीज चलती है वो चलती है सिर्फ इलेक्ट्रिक पे। सो पॉल्यूशन फ्री उस टाउन को माना जाता है जरमैट को। तो बस उसे पहले एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम मैटरहॉर्न और वहाँ के बर्फीले पर्वतों पे क्या क्या है हमारे लिए देखने के लिए, टूरिस्टों के लिए घूमने के लिए क्या चीज़ें हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बस चलिए आप भी मेरे साथ और इस वीडियो पर उन चीज़ों को एंजॉय करिए। मैं जा रही हूँ जरमैट, लेकिन वहाँ से जाने के पहले बैरन पे मुझे एक अपना इंडियन स्टोर देखने मिला जिसका नाम है अग्रवाल। और ये स्टोर में हमारी सारी इंडियन ग्रोसरीज मिलती है। बस जाके चेक करते हैं कि इंडियन आइटम्स में इनके पास क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखिए बासमती चावल आपको मिलेगा, आपको सादा राइस मिलेगा। बासमती चावल अराउंड आपको मिल रहा है 15.90 फ्रैंक का। सो ये 5 किलो का पैकेट है, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी अगर आप ऑर्गेनिक राइस खरीदते हो तो आपको इसी रेट में पड़ता है। उसके साथ साथ लोटस का, जैसे अपने यहाँ पे दावत का मिलता है उसी तरह से यहाँ पे लोटस का है, वो है 9.90 का। तो ये भी बहुत रिजनेबल रेट है और बहुत सारे डिस्काउंट्स बहुत सारी चीज़ों पे है। इसी तरह से आगे पूरा ग्रॉसरी आपको मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पे जो इंडियंस यूज़ करते हैं, दाल चावल पल्सेस, वो सारी चीज़ें लाइन में है। हर चीज़ इंडियन फूड की यहाँ पर मिलती है। अगर आप एज ए इंडियन यहाँ पे आ रहे हो और आप यहाँ पे सेटल हो रहे हो स्विट्ज़रलैंड पर, डेफिनेटली आप अग्रवाल में आकर अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग, पूरी ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हो। और बहुत सरप्राइजिंग आइटम यहाँ पर है कि आपको समोसा, इडली, वड़ा, बहुत सारे स्नैक्स के आइटम्स भी हमें देखने मिले। तो बस हैव अ लुक। मिलने बहुत मुश्किल है रहते हैं, हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पर मिलते हैं। हम तो घर से हल्दी और नाजीरा पाउडर हम जो बोलते हैं या मिर्ची पाउडर बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको अग्रवाल में मिल जाएगी। उसके साथ साथ हमारे सारे मसाले भी यहाँ पर मिलते हैं, वो भी MDH के, काफ़ी जाने माने मसाले यहाँ पर इन्होंने रखे हैं। सेंधा नमक, सिनेमन पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, इसके बिना तो खाना ही नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। वेजिटेबल किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। वो वेजिटेबल्स जो यहाँ नहीं मिल सकता, वो सारे अरवी वगैरह सारे वेजिटेबल्स आपको इनके शॉप में मिलेंगे। हैंड ब्लाइंडर, मिक्सर और इडली कुकर, मिल्टन का टिफ़िन, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। गाइस, वैरायटी ऑफ स्वीट्स और वेरी रिजनेबल रेट, जो इंडिया के हमें रेट पड़ते वही रेट्स में मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है। 5.90 में आपको बूंदी, गुलाब जाम और बूंदी के लड्डू, सारी मिठाइयाँ मिल रही है यहाँ पर। यू कैन हैव करेला, तो डेफिनेटली आप इस स्टोर को विज़िट करिए और आपको चाहिए, आपकी मनपसंद चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें खरीद कर बना कर खाइए। दिस ऑल्सो ड्रमस्टिक्स। और ये देखिए दूधी कितनी फ्रेश है, मतलब ये दूधी मैं जैसे अपने इधर लाती हूँ वैसी ही दूधी यहाँ पे आपको मिलेगी। सत परवल भी है। इफ यू आर गुज्जू और आप वाल पापड़ी खाते हो तो आपके लिए वाल पापड़ी है। हरा लहसुन है। पैक फूड भी आपको बहुत सारा मिलेगा। अगर आपको जॉब कर रहे हो और आपको तुरंत ही कुछ बनाना है तो वेराइटी ऑफ पराठा से यहाँ पे स्पिनेच चपाती, हर तरह की रागी रोटी, पराठा, ढोकला, खमन ढोकला वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है इनके पास। गाइस, आपको लैम रोल, चिकन रोल, उसके साथ हमारा फेवरेट मेदू वड़ा, दाल वड़ा भी है, पकोड़ा भी है, समोसा है, बहुत रिजनेबल रेट, मतलब 2 फ्रैंक्स, ओनली 2.5 फ्रैंक्स, 2 फ्रैंक्स, तो इतना तो एफोर्डेबल रहता है अगर आप स्विट्ज़रलैंड घूमने आते हो और आपको ऐसा कुछ खाना है तो। उसके साथ साथ पूरा खाना भी यहाँ पे आपको डिश मिलती है, इंडियन प्लेट टू ईट। सोच रहे हैं कि यहाँ का कुछ स्नैक्स खरीदे और खाए, क्योंकि हमें जाना है आगे थोड़ा सा और घूमने के लिए। सो मैं प्लान कर रही हूँ, क्या लेंगे साहिल? विल टेक ओके, मेदू वड़ा, दाल वड़ा और समोसा, एक समोसा, एक मेदू वड़ा, एक दाल वड़ा। सो गाइज, आपने देखा कितने स्वीट लोग हैं ये। इन्होंने, इनसे मैंने नाश्ता तो लिया लेकिन उन्होंने मुझे एक पेप्सी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री दी है।
सो आई एम थैंकफुल टू देम. लेकिन आप डेफिनेटली इस शॉप को विजिट करिए और आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं इंडिया से, बिकॉज हम लोग भी बहुत कुछ कैरी करके आए थे. आप एक बैग खाली भी लेकर आ सकते हो, शॉपिंग करके लेके जाइए यहाँ से. यहाँ पे जो भी मैंने अनाज देखा है, मतलब जो भी मैंने चीज़ें देखी, वो बहुत रिजनेबल रेट पे है. ऑलमोस्ट हम लोग जो इंडिया में बाय करते हैं उतना ही रेट आपको यहाँ पर देना है. तो इनको, इस चीज़ को ख़रीद कर आप अपने अपार्टमेंट में लेके जाके उसको कुक करके भी अच्छा घर का बना हुआ खाना खा सकते हो. हर बार तो हमें बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता नहीं पसंद आता. ऑफकोर्स कभी कभार वो भी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर के लिए यहाँ पे आ रहे हो स्विट्ज़रलैंड में, तो डेफिनेटली इस शॉप को विज़िट करिए और इन चीज़ों को ट्राई करिए. हम बैठे हैं ट्रेन में और मैंने लिया है नाश्ता अग्रवाल से. तो ये है मेदू वड़ा, ट्राई करते हैं मेदू वड़ा कैसा है. बहुत ही अच्छा है, जैसा हमारे इधर मिलता है वैसा ही मेदू वड़ा है. सेम टू सेम, कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं है. रियली बहुत नाइस. मेदू वड़ा तो बहुत अच्छा था. दाल वड़ा अभी ट्राई कर रही हूँ मैं. इनका दाल वड़ा कैसा है? दाल तो पूरी इसमें पूरी पूरी दिख रही है. बहुत अच्छा है. सौंफ वगैरह डाल के बनाया है, जीरा डाला है उसके अंदर, अनियंस डाले हैं. और दाल को, कुछ दाल उन्होंने पीसी है, कुछ दाल उन्होंने अक्की रखी है ताकि आपको वो क्रंची टेस्ट मिले. बहुत ही टेस्टी है. होटल से बस ली जिसने हमें ड्रॉप किया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट स्टेशन से हमने ली दूसरी ट्रेन जिसने हमें ड्रॉप किया बर्न, और बर्न से हमने और एक ट्रेन चेंज की जिसने हमें ड्रॉप किया विस्प, और विस्प से अभी हम बैठे हैं ये जो पैनारोमिक ट्रेन आपको मेरे बाजू में दिख रही है. इतना बड़ा ग्लास, यानी इससे आपको व्यू बहुत ही सुंदर मिलता है. और एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड फेमस है अपने नेचर ब्यूटी के लिए, तो इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए इसी तरह की ट्रेन चाहिए. से जा रहे हम जर्मेट और ये ट्रेन हमें लेके जाएगी जर्मेट. सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं जर्मेट की तरफ विस्प से निकल के. ये माउंटेन ट्रेन है तो अच्छा खासा स्टीप इसका क्लाइंब है. सामने की तरफ आप देख सकते हो स्टेप फार्मिंग हो रही है. छोटे छोटे विलेजेस है, छोटे छोटे टाउन्स है ऑन द वे. अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप आया है स्टाल्डेनजास. तो अभी हमारी ट्रेन स्टाल्डेनजास से निकल के नेक्स्ट स्टॉप है हमारा कालपेत्रान. ऑन द वे काफ़ी सारे आपको टनल्स, ऐसी वैलीज दिखने को मिलेगी. सो गाइस अभी हमारा थर्ड स्टॉप यानी सेंट निकलाउस आ रहा है. ये ट्रेन को आप देख सकते हो कि बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ों के बीच में से ये लोग ने पास किया है, अंडर पासिस, टनल्स और ब्रिजिस के थ्रू. इंजीनियरिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, कि ये लोग ने इतने भी हाई स्लोप पे रखे. अभी टनल से हम होके जा रहे हैं. छोटे छोटे टाउन्स है बीच बीच में रास्ते में, जैसे ये सेंट निकला उसका छोटा सा टाउन है. अभी इसके स्टेशन पे हम लोग अभी रुकेंगे थोड़ी देर. करीब करीब पहुंच चुके हैं. अराउंड 15-20 मिनट्स का हमारा ये राइड बाकी है टू जर्मेट. मैं अभी आपको कुछ इस यहाँ की इंफॉर्मेशन दूंगा. ये जो अभी हम ट्रेन राइड कर रहे हैं ये है मैटरहॉर्न गोटार्ड बान, यानी मैटरहॉर्न से गोटार्ड ये ट्रेन जाती है. कम्प्लीटली पैनारोमिक एक्सप्रेस है, बड़ी विंडोज़ है और व्यू बहुत ही अच्छा है इसका. सो ये अराउंड 144 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये ट्रेन. और यहाँ पे 60 से ज़्यादा ब्रिजेस है इस रूट पे. हाईएस्ट पॉइंट अराउंड 2000 मीटर की हाइट पर है और लोएस्ट पॉइंट 600 मीटर की हाइट पर है. मैटरहॉर्न गाइस, यहाँ पर इस तरह के टैक्सीज होते हैं जो लेके जाते हैं. दीज आर इलेक्ट्रिक टैक्सी. यहाँ पर कोई भी चीज़ पेट्रोल या डीजल या गैस पे नहीं चलती. तो ये जो व्हीकल्स है ये सारे चलते हैं इलेक्ट्रिक पे. और ये ऐसा टाउन है जहाँ पर इसी तरह के टैक्सीज आपको मिलेंगे. How much cost is the cable car for Madam? 12 francs.
12 francs. Okay. साहिल ने हमारी टिकट्स मेट्रोन के लिए जाने की। गाइस यहाँ से हम जाएंगे, ये देखिए केबल कार्स ऊपर जाने के लिए आ रही है, जा रही है और इतना अच्छा दिख रहा है। अब ऊपर जाके आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर और क्या चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले। हम सेटल हुए हैं केबल कार में, जा रहे हैं ऊपर मेट्रोन की तरफ और बस देखिए इसका हॉर्न बज रहा है तो स्टार्ट हो रही है हमारी केबल कार। ये फुल स्पीड में जाएगी, ये फुल स्पीड में जाएगी ऐसा लग रहा है देख के, तो अभी तक तो स्पीड नहीं पकड़ी है। सो गाइस ये अभी हम मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज की तरफ जा रहे हैं। मैटरहॉर्न का जो पहाड़ है इज वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स इन द वैले एल्प्स। तो अराउंड 4,400 मीटर्स का ये माउंटेन है जो इसका ग्लेशियर पैराडाइज बना है। ये 3,883 मीटर्स है। तो हम जैसे पहले आप टिटलिस गए थे वो अराउंड 3,000 मीटर्स पे था, यूंगफ्राउ गए थे वो अराउंड 3,400 मीटर्स पे था और ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे केबल कार या ट्रेन जाती है जो अराउंड 3,883 मीटर्स पे है। So, कैसा फील हो रहा है? सुपर, लेकिन कान दोनों बंद हैं। जरा हाई स्पीड केबल कार है तो इसलिए थोड़ा मोशन सिकनेस का जिसको प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे कुछ खा पी के आइए गाइस, अगर आप आते हो तो यहाँ खाना साथ में लेकर आइए, पेट भरा हुआ होना चाहिए आपको इतने हाइट पर अगर जाना है। कितना सुंदर है वहीं देखने जैसे। इस विंटर में ये सारे पहाड़ भर जाते हैं बर्फ से, पूरा स्नो वैली बन जाता है ये, और यहीं से ग्लेशियर एक्सप्रेस भी चलती है। ये सब देखते हुए लोग जाते हैं विंटर में। हमने ग्लेशियर एक्सप्रेस नहीं ली क्योंकि अभी विंटर्स नहीं है, समर्स है, तो अभी कुछ देखने तो वैसे भी नहीं मिलेगा। और 8 घंटा फिर ऐसे ही बैठो ग्रीनरी देखते हुए, उससे अच्छा और भी ज़्यादा स्पॉट आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप समर्स में आते हो तो। ये हमारा है फर्स्ट स्टॉप, यहाँ पर उतरना नहीं है। तो अभी हम आए हैं फर्स्ट स्टॉप फ्यूरी पे। ये हम लोग 1400 मीटर्स की हाइट से जरमैट से निकले थे, अभी हम 1800 मीटर्स की हाइट पे पहुँचे। पर जिन्हें भी मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज तक जाना है या वारसी जाना है या ट्रॉकेनस्टेक जाना है तो वो यहाँ से उतरेगा नहीं, ये बैठे रहना है। ट्रेकिंग करणाऱ्यांसाठी आहे तो। हां फुटवे बांबरे एवढे हाईट हां आले 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 केबल। यहां देखिए बहुत सारे शेप्स हैं, ये छोटे-छोटे गांव भी हैं इनके बीच। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं श्वात्से, जर्मन वर्ड है ये, इसका अग्राउंड इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है ब्लैक लेक। 2500 मीटर्स की हाइट पे है ये। अभी और हमें 1300 मीटर्स ऊपर जाना है। मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज जा रहे हो तो इसमें से किसी भी स्पॉट पे आपको उतरना नहीं है, आपको सीधा ऊपर जाना है। सो गाइस और एक स्टॉप आया है अभी फुर्क, ये अभी हम नीचे आए अराउंड 100 मीटर्स नीचे आए वहाँ से श्वार्त्से से, अभी ये वापस ऊपर की तरफ जाएगी। डाउन देखिए जरमैट अब कितना नीचे दिख रहा है और कितना क्लियरली विजिबल है ऊपर से। इस वेदर में फॉग है आसपास लेकिन उसके बावजूद पूरा टाउन विजिबल है क्योंकि थोड़ा सा सनी है वेदर, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से देखना। सो गाइज अभी हम पहुंचे हैं ट्रॉकेनस्टेक, यहाँ से हमने अभी अपनी केबल कार छोड़ दी, अभी हम आगे की दूसरी गंडोला में जाएंगे। हमने अभी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, ये अराउंड 3000 मीटर्स की हाइट पर है। अपना टिकट स्कैन करा के आगे की गंडोला लेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया मैटरहॉर्न ये बॉर्डर पे आता है स्विट्जरलैंड और इटली के,
तो अभी हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, हम इटली की तरफ जा रहे हैं और अभी हम चलते हैं आगे अपनी गंडोला राइड की तरफ। यहाँ से आपको बड़ी 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू वाली गंडोला मिलेगी। गाइस अब हमारी केबल कार आ रही है, गंडोला आ रहा है हमारा, देखिए कितना मस्त है ये। सीरियसली इसका बाहर से व्यू इतना अच्छा है तो अंदर से व्यू कितना अच्छा रहेगा। तो बस हम जा रहे हैं हमारी गंडोला में। ये काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बड़ी और काफ़ी स्लो और स्टेबल चल रही है। बहुत सारे जन यहाँ पर आ सकते हैं इस गंडोला में। हम हैं अब इस ग्लेशियर पैराडाइज को देखते जा रहे हैं। इतना सुंदर है, आप देखिए अब स्नो स्टार्ट हो गया है, नीचे से स्नो दिखना स्टार्ट हो गया है। अब आसपास पूरा स्नो ही स्नो है और वेदर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ठंडा होते जा रहा है अभी। यहाँ पे आपके पास जैकेट होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप समर में आ रहे हो तो जैकेट ज़रूर साथ में कैरी करिए और फिर आप ऊपर आके पहन सकते हो उसे। बाकी समर्स में नीचे ज़ूरिक में या जर्मेट तक आपको ज़रूरत नहीं है जैकेट्स की, वहाँ पर आप समर क्लोथ्स भी यूज़ कर सकते हो। गाइस देखिए कि इस तरह से ये लोग स्नो को क्लीन करके जा रहे हैं ताकि जो ट्रैकर्स है वो भी अच्छे से ऊपर तक पहुँच सके। गाइस अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं, आप देखिए आसपास इतना फॉग है और पूरा स्नो से भरा हुआ है। एक थोड़ा सा ही पार्ट मुझे लग रहा है कि माउंटेन का दिख रहा है, बाकी स्नो ही स्नो है। अब तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि बाहर जाकर हम कुछ देख भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरा वेदर यहाँ से तो फॉग ही दिख रहा है। देखते हैं अभी ऊपर पहुँचने के बाद। गाइस आखिर हम पहुँच गए मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज। इतना सुंदर लग रहा है सीरियसली यहाँ का व्यू, और इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर आए हम एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, मेसमराइजिंग व्यू। सो गाइस अभी हम पहुंच गए मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज के पैनोरामिक रूफ पे। यहाँ पे बहुत ठंड है, टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस है, बट उससे ज़्यादा यहाँ पे हवा बहुत छुटी हुई है, कुछ दिख नहीं रहा है आपको, शायद दिखे ना दिखे, फॉग और वेदर ख़राब होने की वजह से। तो ये स्नो है यहाँ तक पूरा, और यहाँ पे इन्होंने जीसस क्राइस्ट का एक ऑल्टर है, फ्रेंच में इन्होंने एक सेइंग लिखी है, जर्मन फ्रेंच इटालियन और इंग्लिश में, 1985 की है, जिसका है बी मोर ह्यूमन। यहाँ पे बाइनोक्यूलर्स भी है, 2 फ्रैंक्स या 2 यूरोस के कॉइन से आप देख सकते हो। आई रिकमेंड कि सीनियर सिटीजन को यहाँ ना लाया जाए, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे से स्टिकर्स चिपकाए हैं, पूरा पोल करीब करीब उस हाइट तक स्टिकर चिपके हुए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वहाँ तक पहुँचे कैसे लोग, अराउंड 10 फुट की हाइट है वो, और पूरा स्टिकर से भरा हुआ है, बहुत ठंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कपल्स यहाँ आते हैं, जो मैरिड अनमैरिड कपल जो यहाँ आते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिबन्स लॉस यानी कि द लव लॉक्स, यहाँ पे ये रेलिंग पे काफ़ी सारे लॉक्स लगाए, उन पे अपने नाम लिखे, शायद नीचे से ये लव लॉक्स इन्हें मिले हैं, खरीद के इन्होंने लिए हैं और यहाँ पे लगाए हैं। तो काफ़ी सारों पे उन्होंने अपने पेन से नाम लिखा है, काफ़ी पे इंस्क्राइब्ड नाम है। ये रोमिक प्लेटफॉर्म है पूरा। चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मैटरहॉर्न आते हो तो अर्ली मॉर्निंग, अगर आप ज्यूरिख या बर्न से निकल रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलिए, क्योंकि यहाँ पे आने में काफ़ी टाइम लगता है। जो गंडोला राइड है अराउंड 1 आवर की है जर्मेट से मैटरहॉर्न, तो आपको अगर ऊपर का व्यू एंजॉय करना है तो जल्दी से जल्दी आइए। गाइस साहिल ने तो यहाँ पे आके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी पहुँची हूँ क्योंकि मैं गई थी रेस्टोरेंट में। यहाँ पर आपको 2 फ्रैंक्स पे करने होंगे या फिर आपको रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाना होगा, तभी आप यहाँ पर वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। सो 2 फ्रैंक आपके पास छुट्टे होने चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन बहुत कम पड़ता है इधर ऊपर आने के बाद,
लेकिन यू कांट मिस दिस, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी मेस्मराइजिंग। ये पॉइंट देखने ज़रूर आइए, कोशिश करिए कि लाइफ में एक बार आप यहाँ पर आ हुआ है, आई स्वेयर। मतलब ये सोच भी इनकी बहुत बड़ी है कि यहाँ पे जीसस को लगाया है, ताकि अगर इतने हाइट पे इंसान को कुछ हो तो जीसस है उनको बचाने के लिए। और यहाँ से आपको व्यू भी मिलेगा, सो यू हैव टू पे मनी, आई फील कॉइन डाल के आपको इसमें से व्यू मिलेगी। वन या टाइमिंग के ऊपर है, 1 फ्रैंक है और 2 फ्रैंक है इसका। सो साहिल, यू वॉन्ट टू सी? सी ना बाबा, कमिंग टू दिस पॉइंट एंड आई कांट सी एनीथिंग, इट्स द विंड इज इन माय आईज एंड इट्स यूज नो यू नो यूज ना द व्यू इज आई स्वेयर इट्स टोटली फॉगी एंड इट्स रियली अमेजिंग। आई मीन्स एकदम फ्रीज हो गए, फ्रीज यू नो, हिल नहीं रहे बिल्कुल। हो गया अभी हमारा, वो नीचे जाना स्टार्ट केबल से। यहाँ पे जो लास्ट राइड है ना वो 415 की होती है, और जो लिफ्ट ऊपर जाती है वो होती है लास्ट 345 की। रेस्टोरेंट्स बंद हो जाता है ऊपर का 330 को, तो ये टाइमिंग्स बहुत फिक्स है। अगर आप योंगफ्रो में जाते हो तो वहाँ पे तो आपको लोग आते हैं बुलाने के, लेकिन यहाँ पे आपको लास्ट निकलने के लिए कोई लोग बुलाने को नहीं आएंगे, क्योंकि वेदर एकदम ख़राब हो जाता है। इवन वहाँ के जो सर्विस मैन हैं उनको भी तो यहाँ से नीचे जाना होता है, तो इट इज़ कंफर्म कि 415 के जो लास्ट राइड है वही आपको लेनी होती है। सो हमने वही राइड ली है और जा रहे हैं अब नीचे। लेकिन अमेजिंग व्यू है, मेस्मराइजिंग है, बहुत ही अच्छा है, कोई वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास। ये एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है, हटके एक्सपीरियंस है। सीनियर सिटीजन्स को आप वीडियो कॉलिंग पे दिखा सकते हो, क्योंकि उनको यहाँ नहीं ला सकते आप इस हाइट पे। ऑफकोर्स अगर हेल्दी है, अच्छा वॉक कर लेते हैं तो ला सकते। सो गाइस, अभी हम वापस आ गए ट्रॉकनेस ट्रैक पर। हमने यहाँ पे अपनी गंडोला चेंज की और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिस्टल वीआईपी राइड भी रहती है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं उसके, उससे आप नीचे ऊपर जा सकते हो। ये एंट्री वीआईपी टिकट्स वालों के लिए। अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे अपनी नेक्स्ट गंडोला राइड की तरफ। तो ये मशीनरी आप देख सकते हो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है पूरी, जिसकी से ये ट्रिपल केबल राइड है, 3 केबल से बनी है, जो कि छोटी वाली जो गंडोला राइड रहती है वो 1 केबल पे रहती है, ये 3 केबल पे है, तो इसका इसलिए ये ज़्यादा वेट ले सकती है, ज़्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं। हम आ गए अभी जरमेट, नीचे आ गए केबल से, मैटर ऑन हो गया देखकर, खूब एंजॉय किया। बस अब जा रहे हैं, इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। इस टाउन की ब्यूटी आपको मैं दिखाती हूँ, इतने ब्यूटीफुल अलग अलग टाइप के इधर घर है, ऑल ओवर स्विट्ज़रलैंड ही बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन ये लोग समर्स में, स्प्रिंग्स आता है तभी फ्लावर्स के ये लगाते, पॉट लगाते, बास्केट्स लगाते अपने घर के बाहर, और वो इतना डेकोरेटिव लगता है उसकी वजह से इनका घर। तो बस ये व्यू मुझे आपको दिखाना है, मेरे पीछे अगर आपको कोई घर दिख रहा है, देखिए ये इस तरह से लकड़े से बने हुए घर है, नीचे से इनका सीमेंटिंग रहता है, मतलब स्टोन से बना रहता है, और फिर आधे से इनका वुडन स्टार्ट होता है। ये देखिए मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा है तो ये वुडन फ्रेम के बनते हैं, और बस देखने लायक है यार, ये चीज़ें देखने लायक है, बहुत अलग अलग ढंग का सब यूज़ किया हुआ है। पाइन वुड ही लग रहा है ये सारा, पाइन वुड यूज़ करते हैं ज़्यादातर ये लोग, तो पूरा पाइन वुड का बने हुए इनके घर है, पूरा टाउन ये वुड से बने हुए घरों में रहते हैं, और खुद के घर, खुद का गार्डन, खुद की बालकनी, तो बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल घर है यहाँ के। बस आप इस व्यू को मेरे साथ एंजॉय करिए अब। Oh.
गाइज ये देखिए पूरा ओल्ड टाउन है और ये सारे बिल्डिंग्स मोर देन 100 ईयर्स पुराने हैं। सब वुडन है, सब कुछ वुडन है, यहाँ पे हर घर वुड का बना हुआ है और इसका आर्किटेक्चर ही कुछ अलग है, बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर है और बहुत सुंदर है। गाइस देखिए डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, पॉट्स को घर को डेकोरेट करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ रखी है। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है यहाँ पर तो भी आप शॉपिंग कर सकते हो, क्रिस्टल स्टोन्स, बिकॉज काफ़ी कल्चर इनका इटालियन आता है तो इटालियन लोग ये सारी चीज़ें बहुत मानते हैं, क्रिस्टल्स में, स्टोन्स में, विंड चाइम्स में, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। बहुत अच्छी एक शॉप है। गाइस यहाँ पर एक चर्च भी है, इवनिंग में लोग एंजॉय करने के लिए लोकल्स और टूरिस्ट यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, फूड लेते हैं, ग्रुप के साथ एंजॉय करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी आपको यहाँ पर गिफ्ट शॉप्स मिलेंगे, सोविनियर शॉप्स मिलेंगे, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए। टूरिस्ट अपने ही मस्ती में रहते हैं यहाँ पर और एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, जैकेट्स। और ये देखिए चर्च बेल बज रहा है अभी। ये चीज़ पूरे स्विट्ज़रलैंड में है, एवरी आर आपको चर्च की बेल सुनाई देगी जो कोई सिटी में आप हो। गाइज़ यहाँ पे खाने के स्टॉल्स और शॉप्स इतने हैं, एन नंबर्स ऑफ, ये देखिए किस तरह से इन्होंने अपने बार बना के रखा है। वैसा ही एक शॉप है जहाँ पे क्रोसेंट के लिए बहुत फेमस है, तो उसका भी उन्होंने इस तरह से लोगो रखा, लगा के रखा है। ये देखिए क्रोसेंट पिज़ेरिया, साहिल को लगी है भूख तो हम ट्राई करने वाले हैं जर्मेट में पिज़्ज़ा, तो बस चलिए लेते हैं कुछ खाने के लिए और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मार्गरीटा है, यहाँ से अच्छा दिख रहा था, अराउंड 20 फ्रैंक्स का है ये, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, इन लोग के पास छोटा वाला भी है 22 सेंटीमीटर, वो 18 फ्रैंक्स का है, फिर टेस्ट करके देखते कैसा है। प्रॉपर इटालियन स्टाइल का पिज़्ज़ा है, अंदर से उन्होंने मैरिनारा सॉस डाला है, ऊपर से मोज़रेला चीज़ है, फ्रेशली बेक ब्रेड है, बहुत ही अच्छा टेस्टी है। सो गाइज अभी हम हैं जर्मेट स्टेशन पे, जर्मेट स्टेशन से आप बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे स्टेशन का स्क्वायर दिखेगा जो चारों बाजू से होटल्स और रेस्टोरेंट्स और अलग 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 ब्रांड्स के शॉप से घिरा हुआ है। इसको यहाँ पे बान ऑफ फ्लैट्स बोलते हैं। यहाँ से आपका जर्मेट का मेन रोड शुरू होता है जो स्ट्रेट आपको केबल कार स्टेशन तक आप जा सकते हो, वहाँ से आपके जो भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ये यही स्ट्रीट पे है। आज का हमारा ट्रिप यहीं पर एंड होगा, आज हमने किया मैटरहॉर्न और टॉप तक देखा, आपने भी मेरे साथ स्नो कैसा है उसके साथ साथ हमने एक्सप्लोर किया पूरे जर्मेट को, और इतना प्यारा टाउन है, यहाँ पर साहिल ने खाया पिज़्ज़ा और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। तो बस ये था आज का ब्लॉग और आज का वीडियो। अब इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले इस तरह के ब्लॉग्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।